हेलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज आज हम करने वाले हैं रिसर्च टाइप्स हम ऑलरेडी कुछ रिसर्च के टाइप्स कर चुके हैं आज हमारी लास्ट लास्ट है रिसर्च टाइप्स की बिकॉज आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ रिसर्च और राइट तो आज जो हमने रिसर्च के टाइप्स करने हैं वो है हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सपोज फेक टू एम्पेरिकल क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्लियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट बिफोर दैट इफ यू गाइज हैव कम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट रिस मोर ऑफ माई वीडियोज तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सो so येस yes, सबसे पहले हम देखते हैं वॉट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इट एग्जामिन द पास्ट इवेंट्स इसका क्या मतलब है जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से भी पता लग रहा है हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं हम जो पास्ट इवेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है मतलब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है इट events ऑन an द पास्ट इवेंट्स इन एन the facts द फैक्ट्स एंड एक्सप्लेन द the events एंड their इफेक्ट इन द प्रेजेंट इवेंट्स तो क्या कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं मतलब सपोज अगर आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो आप इसमें क्या करते हो उस टॉपिक से रिलेटेड पास में जो चीज़ें हुई हैं उनको आप इन्वेस्टिगेट करते हो उनको एग्जामिन करते हो सो दैट यू कैन यूज दैट इन इन योर प्रेजेंट इवेंट्स और नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा मे हेल्प एक्सप्लेन करंट एंड फ्यूचर इवेंट्स तो क्या कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है मतलब जैसे कि जो पास्ट इवेंट्स है वो हेल्प करती है कि इसमें आपको करंट और फ्यूचर इवेंट्स को uh, क्या करने में एनालाइज करने में क्लियर सुनाओ नेक्स्ट इज एक्सपोज फैक्टो रिसर्च सो वॉट डज इट मीन मतलब एक्सपोज फैक्टर रिसर्च क्या होती है इट इज़ अ रिसर्च आफ्टर द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब ऐसे रिसर्च जो किसी इवेंट के होने के बाद हम करते हैं उसे कहा जाता है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च तो जैसे कि लिखा है इट इज नोन एज आफ्टर द फैक्ट रिसर्च क्लियर अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है रिसेंटली अभी मुंबई में एक साइक्लोन हिट किया था राइट फॉर फॉर एक्साम्पल अगर आप स्टडी करना चाहते हो साइक्लोन के रिलेटेड कि मतलब उस साइक्लोन ने किन एरियाज में ज्यादा हिट करा कितनी डेथ्स हो गई क्या क्या प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया मतलब आप इन सब के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हो तो उसे कहा जाता है एक्सपोज फैक्टो रिसर्च वाई बिकॉज इट इज हैपनिंग आफ्टर द इवेंट इज ऑलरेडी राइट सो दिस रिसर्च प्रिडिक्ट्स अ पॉसिबल कॉजेज ये रिसर्च क्या करती है प्रिडिक्ट करती है पॉसिबल कॉजेज बिहाइंड एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो नेक्स्ट वन इज इम्पेरिकल रिसर्च इम्पेरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वड एंड मेजर फिनोमिना एंड रैज नॉलेज फ्राम एक्चुअल एक्सपीरियंस रेदर देन फ्राम द थियरी और बिलीफ तो इन शॉर्ट एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं इम्पेरिकल रिसर्च करने के लिए हम अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका यूज़ किया जाता है इस रिसर्च को करने के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमें जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना है हम थियरीज और बिलीव पे नहीं जाते हैं ठीक है थीके? हम किस पे जाते हैं अपने एक्सपीरियंस पर जो हमने ऑब्जर्व करा जो हमने एक्सपीरियंस करा हम उसकी बेसिस पर रिसर्च करते हैं इट्स सोनली रिलाइज ऑन द एविडेंस ऑब्टेन फ्राम ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस तो क्या कह रहे हैं किस पर डिपेंडेंट होता है ओनली ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आई होप दिस वन इज़ क्लियर So next is what is quantitative research? क्वानिटेटिव रिसर्च डील्स आर द डेटा दैट डीजा और दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू नंबर तो क्वानिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है जो डील करते हैं किसमें नंबर्स में ठीक है, है जो आपकी फाइंडिंग आती है ठीक है जब हम क्वानिटेट रिसर्च करते हैं जो फाइंडिंग आती है दैट ऑल्सो कम्स इन नंबर्स ठीक है या नुमेरिकल फॉर्म में आती है फॉर एक्जाम्पल जैसे अगर सपोज आप रिसर्च करना चाहते हो या रिसर्च स्टडी करते हो कि इंडिया में कितने लोग अनएकेटेड हैं तो जो आपका आंसर आएगा जो आपकी फाइंडिंग होगी दैट विल बी नंबर्स राइट उसे कहा जाता है क्वान्टिटेटिव रिसर्च इट इज सिमिलर टू टू डिडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च रिसर्च तो कौन सी होती थी फ्रॉम स्टेटमेंट स्पेसिफिक ठीक है अब डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में अगर आपने नहीं देखी आप वो देख सकते हो क्लियर सो मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब कौन कौन सी मेथड्स हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए मतलब इस रिसर्च को करने के लिए तो पोल्स का यूज़ किया जाता है क्वेश्चनरीज का यूज़ किया जाता है और क्लोज एंडेड सर्विस क्लोज एंडेड सर्विस कौन से होते हैं जो मतलब एक ऐसे आपको एक लिमिटेड आंसर देते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर लाइक येस नो में आता है या फिर जैसे अभी क्वान्टिटेटिव रिसर्च है तो इसमें आपका जो आंसर आएगा सिर्फ नंबर्स में आएगा मतलब ये किसी प्रॉब्लम के इनसाइट में नहीं जाते कि अगर सपोज uh, अगर जैसे हमने स्टडी करा कि इंडिया में कितने लोग अनएकेटेड है तो मतलब ये स्टडी नहीं करता कित कितने लोग अन एडुकेटेड हैं वो क्यों हैं ठीक है क्या प्रॉब्लम्स हैं किन किन वजह से उस पर नहीं जाता ये डायरेक्टली इट गोज इन टू कि कितने अनएकेटेड पॉपुलेशन है डायरेक्टली उस पर आंसर पे जाता है ठीक है सो आई होप समझ में आ गया आपको सो ना नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च इट इज़ एक्चुअली अपोजिट ऑफ क्वान्टिटिव रिसर्च इट इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्च दैट रिलाई ऑन नॉन नूमेरिकल डाटा तो ये कौन से रिसर्च है जो रिलाई करती है किस पे नॉन नुमेरिकल डाटा मतलब नूमेरिकल फिगर्स में इट डज़ नॉट रिलाई इट इज़ प्राइमली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तो ये किसकी तरह होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरह एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है जिसमें हम क्या करते हैं एक्सप्लोर करते हैं नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम और हेल्प टू डेवलप आइडियाज और हाइपोथेसिस तो क्या करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करते हैं प्रोवाइड करता है इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम है उसके उसको सॉल्व करने के लिए नए नए आइडियाज ढूंढे जाते हैं इसमें उसके हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इट इज़ बेसिकली इंडक्टिव इन रिसर्च तो जैसे कि क्वानिटेटिव रिसर्च वन इज इंडक्टिव इन नेचर इट बिगिन विद ऑब्जर्वेशन एंड एंड विद अ थ्योरी तो जैसे कि इंडक्टिव रिसर्च होती है वो बिगिन करते हैं कैसे ऑब्जर्वेशन से और एंड कैसे होती है विद द थ्योरी ठीक है सो so, मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं क्वालिटिव रिसर्च में ऑब्जर्वेशन यूज होता है इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड ओपन हैंडेड सर्विस